देश में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा में राम मंदिर निर्माण होने के निश्चित तारीख घोषित करने को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा होगा राम मंदिर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर उठा राम मंदिर का मुद्दा। राहुल गांधी के तारीख नहीं बताएंगे बयान पर अमित शाह का तंज। कहा अगले साल 1 जनवरी को राम मंदिर बनकर होगा तैयार। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला उन्होंने रखी थी और तभी से मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया था कि अयोध्या में वो भूमि जहां कभी बाबरी मस्जिद थी वहां रामलला का जन्म हुआ है और वो रामलला की है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तारीख नहीं बताएंगे वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़ कर गया तब से और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से, एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। हालांकि अमित शाह ने यह ऐलान तो कर दिया है कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि जो लोग उस कमेटी के सदस्य ही नहीं है वो लोग तारीख बता रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से राम मंदिर कमेटी से मांग करते हुए कहा कि जो राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राम मंदिर के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिस कमेटी की देखभाल में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर कमेटी से मांग करती है कि मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे केवल राजनीति करना चाहती है, क्रेडिट लेना चाहती है, इसलिए लगातार बयानबाजी कर रही है। जो लोग उस कमेटी के सदस्य भी नहीं है वो लोग तारीख बता रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कब पूरा होगा। समाजवादी पार्टी राम मंदिर कमेटी से मांग करती है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि जो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, मुझे लगता है कि उनके सपने नए साल में चकनाचूर होने वाले हैं। राम जन्मभूमि का मंदिर अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। जानकारी के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होने की योजना है और यह निश्चित रूप से एक गौरवशाली अवसर नए साल की शुरुआत में आने वाला है। मुझे लगता है इस बात का विश्वास केवल अमित शाह जी को ही नहीं, हिंदू समाज के हर उस सनातन व्यक्ति को है जिसको भगवान श्री राम में आस्था है। उसको यह विश्वास है कि नए साल में नया सवेरा राम मंदिर के साथ होगा और जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं है ऐसे लोग ही इस सपने को साकार होने से अभी भी रोकने की मंशा में लगे हैं, लेकिन यह सपना अब साकार होकर ही रहेगा।
देखिए अभी तक जो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे, उनके सपने मुझको लगता है कि नए साल में चकनाचूर होने वाले हैं। राम जन्मभूमि का मंदिर अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा और जैसी योजना है मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान श्री राम की मूर्ति वहां स्थापित होने की योजना है। निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए एक बहुत गौरवशाली अवसर नए साल की शुरुआत में आने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक बयान पर इस वक्त सियासत गर्म है। आपको बता दें राहुल गांधी के दिए एक बयान पर मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाए पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। साथ ही आपको ये भी बता दें अमित शाह का कहना है कि अगले एक साल के अंदर 1 जनवरी को राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो है निकाय चुनाव और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में अहम हो सकता है। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश।